मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर के तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं, हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस के तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। यह असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पर अपना मोहर नहीं लगाया है, अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं, लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमराज को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, छोड़िए, स्पीकर साहब,